सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम डायरीज और आगरा ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ ये दो हमारे छेले चपाटी ये कह रहे कौन है ये लड़की हम नहीं जानते, तो फालतू बातें ना करते हुए आज आप ये हमारे गाइड है, ये हमें बताएंगे कि आज हमें कहाँ लेकर आए हैं आगरा में। जी बताइए। हम लाए आपको आगरा में इत्मादौला। इत्मादौला ये है बेबी ताज। बेबी ताज आप लोगों ने बड़ा मेन ताज देख लिया, अब ये बेबी ताज देख लिया। हाँ, मेन ताज तो हो गया, तो इत्मादौला तो नाम पता नहीं सबको पता होगा कि नहीं, लेकिन बेबी ताज सबको पता है। तो बेबी ताज को नूरजहां ने अपने पिता की याद में बनवाया था। नूरजहां ने अपने फादर की याद में बनवाया है, वाह वाह क्या बात है। चांदी से चाहती थी बट चांदी का नहीं है ये। अच्छा, चांदी का नहीं है। तो टिकट फेयर क्या था इसका? 50 रुपीस फॉर इंडियंस। और राज का भी था फ्री? हाँ, 15 साल के बच्चों का फ्री होता है। फ्री है, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बेबी ताज में क्या क्या चीजें। देख सकते हैं कोशिश तो पूरी रही थी, लेकिन कहते हैं ना ताजमहल सिर्फ एक ही है, उसका कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन ये बेबी ताज है, एक बेटी ने अपने पिता की याद में बनवाया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। बेगम की याद में तो लोग क्या क्या करते हैं, लेकिन एक पिता की याद में अगर एक बेटी ने बनवाया है तो ये बहुत बड़ी बात है, इसको हल्के में मत लीजिएगा। इसलिए ये बेबी ताज ही नहीं, ये बहुत बड़ा ताज है जहाँ तक मुझे लगता है। और राज कह रहा है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या है। और फाइनली ये इस तरह का यहाँ ग्रीनरी है, खूबसूरत है, पूरी अच्छी वादियाँ हैं कह लीजिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं है। बेबी ताज देखने का मेरा दिल था क्योंकि मैं फ्रेंड्स हमें यहाँ भी शू उतारना है क्योंकि शूज अलाउ नहीं है अंदर पहन के जाने के लिए, तो हम इसे अभी रिमूव करेंगे और फिर हम अंदर चलेंगे। तो हमने शूज उतार दिया है क्योंकि हमें अंदर जाना है, तो शू पहन के नहीं जा सकते हैं, तो चलिए अंदर चलते हैं। पैर भी जल रहा है, चलो चलते हैं। सो फ्रेंड्स मुझे नहीं पता है कि अंदर क्या है, वो तो पता चलेगा हमें जाने के बाद, तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं। मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट है कि अंदर क्या है, क्योंकि कभी मैं आई ही नहीं हूँ तो मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। तो देखते हैं क्या चीज़ें हैं इसमें, कुछ बच्चे भी खेल रहे हैं देखिए, और पता नहीं क्या है, मैं देखती हूँ अभी। अच्छा, अब मुझे पता चला कि अंदर मकबरा है, ये ताजमहल की तरह ये भी मकबरा है। ये देखिए, ये सामने आप देख रहे हैं ना, ये सारे जो कमरे बने हुए इसमें मकबरा है, इसमें भी सेम चीज़ें होंगी। ये देखिए, तो इस तरह की चीज़ें हैं बेसिकली, ये मकबरा है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, है तो ये बहुत खूबसूरत, बट मैं कहूँगा कि ताजमहल एक ही है और ये इससे इंस्पायर होकर ताजमहल बना है, तो डिफरेंसेस तो बहुत सारे हैं अगर देखना जाए तो। ये बहुत छोटा सा कारीगरी में भी डिफरेंसेस हैं, बहुत फर्क है कारीगरी के अंदर, हाइट वाइट बहुत चीजें, तो तभी तो बेबी है ना। हाँ, बेबी है, इसका एक छोटा रेप्लिका है, एक छोटा सा मॉडल है और वो पूरा बड़ा। देखो इसके भी
सो फ्रेंड्स, जो ये आपको नदी दिख रही है ना, ये यमुना नदी है जो ताजमहल के पास भी था और बेबी ताजमहल के पास भी है। बड़ा ही प्यारा और खूबसूरत नज़ारा है ये। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बेबी ताज होने के साथ साथ यहाँ गार्डनिंग भी की गई है। अनार, अमरूद, सारे ट्रीज लगाए गए हैं। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और बहुत ही ज़्यादा पेड़ पौधे हैं यहाँ पे, जो इसके लुक को और भी खूबसूरत बना रहे हैं। बेबी ताज में क्या क्या चीज़ें हैं और बेबी ताज कैसा है, तो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, आपने इंजॉय किया हो। तो अगर आप आगरा आते हैं, ताजमहल देखने आते हैं, तो आप यहाँ भी ज़रूर आइएगा बेबी ताज देखने। बहुत ही प्यारा, खूबसूरत और बहुत ही पीसफुल है। यहाँ कोई क्राउड नहीं है, कोई शोरगुल ज़्यादा नहीं है, बहुत अच्छा है। हाँ, शूटिंग जाहिर सी बात है, शूटिंग हुई है, बहुत सी फिल्मों की शूटिंग हुई है, वो आप चेक भी कर सकते हैं नेट पे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ और आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना खूब सारा ख्याल रखिए और अगर आगरा आते हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें देखने लायक है। छोटी तो नहीं कहूँगी, बहुत बड़ी, क्योंकि फिर से कहती हूँ इमोशन से बनाया हुआ चीज़ है बेबी ताज। तो चलिए रखती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।